ओ भाई साहब, ये रास्ता तो पूरा खत्म है। कंटिन्यू ऑन हैगेंडा बीच रोड फॉर 1.5 किलोमीटर्स। तो बटरफ्लाई बीच की तरफ जा ही रहे थे तो यहाँ पे पूरा खोद खाद के रखा है। वहाँ पे देखो लंगूर है और पीछे एक मोर था, पता नहीं वो चला गया होगा पीछे। बढ़िया, दिस इज़ द रोड। ये मज़े देखो, एक हाथ से स्कूटी स्टार्ट हो जाता है और आप चलता बनाओ। सो बटरफ्लाई बीच के लिए आपको या तो 1.5 किलोमीटर पैदल आओ मेन रोड से, या फिर अगर स्कूटर है या कोई जा रहा है तो उसे लिफ्ट मांग लो, आप पहुंच जाओगे। तो देखो, जब आप ये पॉइंट पे आओगे ना तो दो रास्ते होंगे, एक तो बटरफ्लाई के लिए लेफ्ट लेना है, और अगर आप राइट वाला लेते हो तो आप अगोंडा बीच चले जाओगे। यहाँ से फिर बीच कनेक्ट हो जाएगा, फिर आप अगोंडा आपको अलग से नहीं जाना पड़ेगा। तो पहले बटरफ्लाई इंपॉर्टेंट है, वो करते हैं। जगह पे आपको ऐसे बोर्ड मिलेंगे, वे टू बटरफ्लाई बीच एंड रोड्स आर रियली स्लिपरी मैन, बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, और आगे जाके आपको पार्क करना होता है, देन पैदल चलना पड़ता है। इसीलिए मैं ये क्रॉक्स पहन के आया हूँ ताकि पाँव भीगे, कुछ भी हो कोई इशू नहीं है, और हाफ पैंट मतलब जीन्स पहन के आया हूँ मैं। तो जो लोग बिना व्हीकल के आते हैं वो लोग ऐसे पैदल चल के जाते हैं, और देखते हैं अपन कितना। आई गेस वहाँ पे बंद कर रखा है ना, ग्रेट है वहाँ पे, तो वहाँ पे मुझे भी पार्क करना पड़ेगा एंड देन आई विल बी अलाउड टू वॉक। सो हमने यहाँ पे पार्किंग दिया, 100 रुपया पार्किंग है टू व्हीलर के लिए, और इधर से बोला आराम से चला के जाओ, आगे बहुत पानी है और देखते हैं कितना दूर चल सकते हैं। अरे भाई, चक्का धस जा रहा है, इतना नरम मिट्टी। चंदे रास्ते थे भाई, पता नहीं बारिश में तो अलग ही सीन हो जाता है इसका, बट यहाँ पे कैसे तैसे मैं आया हूँ। पानी बहुत ज़्यादा है कुछ कुछ जगहों पे, एंड लेट्स सी जितना दूर जा सकते हैं उतना दूर चल के जाएंगे। नहीं तो मैंने देखा बहुत लोगों को स्कूटर पहले ही पार्क करके रख देते हैं वो लोग। अभी यहाँ पे यहाँ से होकर जाना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज़ द एंड पॉइंट। यहाँ पे आप अपना स्कूटी पार्क करते हो, यहाँ पे गेट है, यहाँ से आपको अंदर जाना पड़ेगा। दिस इधर 5 मिनट्स का वॉकिंग है। मैंने अपना हेलमेट वगैरह जो आंटी से बात करके उनको दुकानों में रख दिया है, एंड ये थे ऐसे कुछ रास्ते। सो नाउ लेट्स गो। सो यहाँ से मैप से 200 मीटर चलना पड़ेगा, एंड ऐसे रास्ते हैं ऊबड़ खाबड़। तो मैं कहूँगा अगर आप क्रॉक्स वगैरह पहन के आ रहे हो सबसे बेस्ट है हाफ पैंट पहन लेना, इनकेस पानी वगैरह क्रॉसिंग वॉसिंग हो। एंड यहाँ से समुंदर का आवाज़ तो सुनाई दे रहा है, एंड मैंने पीछे पूछा था कि पानी का कलर कैसा है, उन्होंने बोला बहुत बढ़िया है और नहाने लायक पानी है, मतलब क्लियर वाटर है। तो येस, दिस इज़ द रीज़न मैं नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा आया, जस्ट टू एक्सप्लोर दिस बटरफ्लाई बीच। बहुत सुंदर है, मैंने फ़ोटोज़ वगैरह में देखे हैं। तो अपन अभी जाते हैं इस रोड में। सी यू इन द बटरफ्लाई बीच आफ्टर 200 मीटर्स ऑफ वॉकिंग। सो आई रीच्ड बटरफ्लाई बीच। ओ हो, दिस इज़ व्हाट आई ऑलवेज लव, सी शोर। पानी आ रहा है और जा रहा है, बहुत ठंडा है लेकिन पानी। मेरे को वहाँ पे जाना है, वहाँ कहीं पे एक टॉप में एक लोकेशन है जहाँ पे लोग बैठते हैं, एंड देन ऊपर से ये पूरा व्यू आता है। या तो ये पहाड़ होगा या तो ये पहाड़ होगा, दोनों में से कोई एक होगा, बट लेट्स सी आई विल गो देयर। यहाँ पे तो मैं आ गया हूँ, ये वाला थोड़ा एंजॉय कर लेता हूँ, उसके बाद लेट्स सी थोड़ा ऑफ बीट करके ना ऊपर वाले में चलते हैं। भाई एक चीज़ का डर लगता है, खींच ना ले, अरे इतना लहर इतना ज़्यादा है कि पानी खींच ना ले। देखो मेरे को एक रास्ता तो दिखा है, ये वाला रास्ता, मुझे नहीं पता ये कितना दूर जाएगा बट प्रॉब्ली ऊपर तक तो जाना चाहिए। थोड़ा सा चढ़ के देखते हैं, पर नीचे उतरते समय क्या होगा वो नहीं पता, बट या आई कैन ट्राई एटलीस्ट। रास्ता बन तो जा रहा है। हाँ, ओह
देखते देखते बहुत ऊपर आ गया मैं। थोड़ा ट्रैक करने के बाद एक अलग सा बीच के लोकेशन पे आ चुके हैं। हट यहाँ से चढ़ के ऊपर में एक लोकेशन है, वहाँ चढ़ना है। थोड़ा हट के लोकेशन मुझे पसंद है। हम जो लोग वहाँ जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, बट हाई टाइड्स बहुत थोड़ा ज़्यादा बहुत है, इससे ब्यूटी अभी इसमें चढ़ना पड़ेगा, बहुत ऊपर है। लेकिन फाइनली पहुँच चुके हैं। हाँ, दिस इज़ द व्यू पॉइंट। लोग मैक्स वहाँ तक जा रहे हैं वहाँ से बट मैं आया हूँ यहाँ पे, जहाँ से पूरा लोकेशन दिख रहा है। और क्या है खूबसूरत ये लोकेशन, बहुत ही खूबसूरत है। कभी भी आप बटरफ्लाई बीच आओ, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, बीच में आना, वहाँ से रास्ता बना हुआ है, थोड़ा सा जाना एंड देन राइट को तो आप देखोगे थोड़ा सा रास्ता कट रहा है, नीचे आके थोड़ा सा ऊपर चढ़ना पड़ेगा। अगर आप गलत पहाड़ में चढ़ गए तो वो वाले में चढ़ जाओगे, ओ माय गॉड मॉनिटर लिजर्ट था, तो आप वहाँ पर चढ़ जाओगे। अगर आप और थोड़ा नीचे से आके चढ़ोगे तो आप ये वाले पहाड़ में आओगे। ये थोड़ा खाली खाली सा है और यहाँ पर आप जब आओगे तो भाई साहब आपको मिलेगा ये नज़ारा। और आगे तो नहीं जा सकता बट ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही स्लीपरी है, डेंजरस है एंड या दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। तो एवर यू आर कमिंग टू बटरफ्लाई बीच, कम ओवर हियर, स्पेंड सम टाइम वहाँ पे, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, उसके बाद आप ऊपर आओ, पत्थर में बैठो एंड देन एन्जॉय द व्यू। वहाँ पे बारिश हो रहा है, दिख रहा है मुझे रेस्ट। या अभी बटरफ्लाई बीच से हम निकलेंगे टुवर्ड्स अगोंडा बीच। अगोंडा बीच में तो ऐसे ऑफकोर्स ऐसे कोई चढ़ाई वढ़ाई है नहीं, बट अगोंडा बीच जाएंगे, उसके बाद देखते हैं वहाँ पे क्या है, अगर होगा तो वो लास्ट करके देन अगेन वी विल हेड टू पालोलिम। पालोलिम ज़्यादा नहीं है, 7 किलोमीटर है ये पालोलिम से। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। चलो मिलता हूँ मैं आपको स्कूटर पे देन अगोंडा बीच पे। सो रिटर्निंग टाइम, ये सीन्स है, फुल लाल पानी, हसल है भाई, हसल है तगड़ी वाली। इतना बारिश तब से रुका हुआ हूँ, स्कूटी वहाँ मैं यहाँ, मतलब बारिश पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। मानसून में आना भी एक पेन है अगर गाड़ी नहीं लाते। ओके सो अभी मैं पहुँच चुका हूँ अगोंडा बीच। काफ़ी लंबा है, मतलब आप देखो इसका जो सरफेस है काफ़ी दूर तक है, मतलब वो कोने तक से लेके बहुत दूर, मतलब जहाँ पे आपको दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। सर वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन। और बटरफ्लाई बीच वो रहा, मतलब वहाँ भी वो जो छोटा सा जगह है ना वो था बटरफ्लाई बीच एंड इट्स अ वेरी गुड वन। एंड अगोंडा इज़ लाइक बहुत वाइड है, आप आओ यहाँ पे आराम से बैठो। अक्टूबर नवंबर में आते हो तो यहाँ पे शैक्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे बैठो चिल करो। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सही लग रहा है, मतलब यहाँ पे आप घंटों बिता सकते हो, समुंदर को देखो और नहीं है। सो या आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। बटरफ्लाई बीच देन अगोंडा बीच दोनों साथ में ही है, बट आपको रोड से आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, 7-8 किलोमीटर का डिफरेंस है, बारिश था बोल के ज़्यादा टाइम लग गया। So yeah, with all that said, thank you so much for watching, for being a part of this vlog and share this vlog. I mean, like with your friends and people, those who always say ki Goa chalte, Goa chalte, unko bhej ke dekho bhai Goa sahi mein chalo, Goa chalte hain, hai na? Because I am loving it, I loved it. Itna achha sundar beach hai, you know, sand hai, samundar ka pani, it's very beautiful. So yeah. बाय बाय, मिलता हूँ मैं आपको अगले व्लॉग पे। आई एम लाइक फ्रॉम पालोलिम टू लेट्स सी, कोई भी अलग लोकेशन में देखता हूँ, अच्छा सुंदर सा जो लोकेशन हो वो करके फिर अपन मिलते हैं। बारिश में भी ज़ोर से और चालू हो गया है तो वहाँ पे मुझे दिख रहा है, देखो वहाँ पे बारिश हो रहा है ज़्यादा ज़ोर से, तो वापस से मुझे कोई शैक के अंदर जाना पड़ेगा, थोड़ा सा बारिश घटे तो उसके बाद फिर मैं वापस अपने हॉस्टल की तरफ चल सकता हूँ। थैंक यू सो मच।